so in today's session we are going to see palindrome आज सेशन शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से और आज के प्रैक्टिकल में हमें देखना है कि palindrome कैसे चेक कर सकते हैं यूजर ने कुछ डाला वो palindrome है कि नहीं ये सिंपल सा चीज चेक करना है हमें अब हम पहले ये समझते हैं कि palindrome होता है क्या पेलेंड्राम इज लाइक उल्टा सीधा एक समान हिंदी में बात करें तो इंग्लिश में बात करें तो एनी वर्ड विच इज़ रेड फ्रॉम द बैकवर्ड हैज़ द सेम मीनिंग अगर आप मैडम को उल्टा भी पढ़ेंगे तो वो मैडम ही आएगा अगर आप वन टू वन लिखेंगे इसको उल्टा भी पढ़ेंगे तो वन टू वन ही आएगा अगर आप मैम लिखेंगे और मैम को उल्टा भी पढ़ेंगे तो आपका मैम ही आएगा सो पैलेंड्राम इज़ उल्टा सीधा एक समान अब हमें अब हमारे पास हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि कोई पैलिंड्रोम है कि नहीं तो बड़ा आसान है चेक करना यूज़र से हमने मान लीजिए हमने यूज़र से कुछ लिया टुक एनी वैल्यू और हमने ये वैल्यू को स्टोर कर दिया अब हमें एक तरीका निकालना है कि इस वैल्यू को हम एक अलग जगह में उल्टा करके स्टोर कर सकें सपोज करो ये दिस इज इट ये ऐसे है so this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. in fact four तक ही आएगा 3, 4. तो ये जो four है this should come here as a first. ये जो उसके बाद वाला है वो इधर आ जाए ये उसके बाद वाला इधर आ जाए ये उसके बाद वाला इधर आ जाए और ये उसके बाद वाला end में चला जाए और इस तरीके से करने के बाद then we match we match with this is it matching वी नीड टू मैच विथ दिस ये दोनों मैच कर रहे हैं फिर ये दोनों मैच कर रहे हैं फिर ये दोनों मैच कर रहे हैं फिर ये दोनों मैच कर रहे हैं और फाइनली ये दोनों मैच कर रहे हैं अगर ये पाँचों मैच कर जाते हैं तो इट इज़ अ परफेक्ट प्लेनड्रोम अगर बीच में कहीं मिस मैच आ जाता है तो हमें बोलना पड़ेगा प्लेंड्रोम नहीं है ये सिंपल आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम पैलिंड्रोम चेकिंग कैसे करते हैं किसी भी चीज़ पे। नंबर में भी अगर हमने कोई नंबर लिया है तो इसको हम इस ब्लॉक को उल्टा करके लिख लेंगे एंड देन वी विल चेक कि इसमें जो भी है वेदर दिस इज मैचिंग विद दिस वेदर दिस इज मैचिंग विद दिस एंड वेदर दिस इज मैचिंग विद दिस अगर ये तीनों के तीनों मैच कर जाते हैं ये इससे ये इससे और ये इससे तो ये पैलेंड्रॉम है तो दो स्टेप हो गया सबसे पहला स्टेप एक्सेप्ट कीजिए नंबर को जो भी नंबर आप यूज़र से लेना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए दूसरा चीज रिवर्स कीजिए और तीसरा चीज कंपेयर कीजिए ये तीन चीज स्टेप में आपका पैलेंड्रॉम निकल के आ जाएगा डन सो so, हम वापस से प्रोग्राम की तरफ जाते हैं लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने के पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहेंगे जो हमें थोड़ा सा और बेटर इस चीज़ को समझाएगा तो उसके लिए हम पाइथन का अपना खोलते हैं पुराना जो हमारा कोड विंडो है और इस कोड विंडो पे हम थोड़ा सा काम करके देखते हैं अब देखिए इसके पहले कि हम डील करें स्ट्रिंग को अभी चूंकि पाइथन में हमें पहले नॉर्म निकालना है तो हमें स्ट्रिंग को यूज़ करना ही पड़ेगा तो पाइथन में स्ट्रिंग हम कुछ भी बनाते हैं तो सिंपल सा बात है कि इज इक्वल टू तो हम डबल कोर्ट्स में कुछ भी लिख देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा ठीक है सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग तो एक पाइथन इसके अंदर एक एक, एक तरीका होता है जिससे हम स्ट्रिंग को वी कैन वी कैन यू नो लाइक उसमें से हमें क्या निकालना है ये हम ऐसे ऐसे बता सकते हैं लाइस से पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ स्टार्ट स्टार्टॉप स्टेप ये इसका ये इसका एक वे है जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ काट के निकाल सकते हैं इसमें हमें बताना होता है स्ट्रिंग का नाम उसके बाद हम बताएँगे कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ को स्टॉप करना है और कितना स्टेप ले आना है सिंपल सा बात है ठीक है कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये क्लियर हो जाएगा हमें अब हमने एस टी आर वन में मैडम डाला अगर आपको याद होगा तो तो हम बोलते हैं एस टी आर वन से वन कोमा फोर हमने वन कोमा फोर बोला उसने मैडम में से ए डी ए निकाल के दे दिया क्यों बिकॉज मैडम का एम इज जीरो ए इज वन तो हमने बोला वन से फोर तक निकालो तो ए निकाल और आपको पता ये सेम कॉन्सेप्ट है वन से थ्री तक निकालेगा उसने वन निकाला डी टू निकाला और ए थ्री निकाला ये तीन चीज उसने निकाल के हमें दे दिए इसको मैं यहाँ समझते सो बेसिकली स्ट्रिंग में हम ये काम ऐसे करते हैं स्ट्रिंग में बोलते हैं आप निकालो स्टार्ट कहाँ से करो ये बताते हैं फिर एक कोलन देते हैं फिर बताते हैं स्टॉप कहाँ करो और फिर बताते हैं स्टेप कितना लो ये तीन चीज बताते हैं और वो काम हमारा करके दे देता है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप ये तीन चीज है तो हमने अगर उसको हमने किसी किसी स्ट्रिंग में मैडम स्टोर करके रखा है और हमने बोला कि एस में से आप वन से निकालिए फोर तक और लास्ट में अगर हम चाहें तो वन दे सकते हैं नहीं चाहें तो ब्लैंक देंगे तो अपने आप से वन ले लेगा सो so, अगर आप एरेज की बात करें ना तो एरेज में ये ऐसे काम करता है दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो हमने बोला वन से फोर निकाला तो उसने ए निकाला डी निकाला ए निकाला ऑब्वियसली वो दिस माइनस वन काम करेगा हम जो भी स्टॉप बता रहे हैं ना वो स्टॉप में माइनस वन करके काम करेगा वाई बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो सो जीरो से स्टॉप माइनस वन तक काम करता है अगर हमने डिफॉल्ट बताया तो तो हमने वन बोला तो वो ज़ीरो को छोड़ दिया वन से उठा के हमें दे दिया आई होप दिस दिस इज मेकिंग सेंस ओके सो नाउ वी अगेन कम बैक टू आवर ओन दिस अब हमने उसको बोला भाई एस टी आर तुम वन से हटाओ ज़ीरो से निकाल दो तो इट इज गिविंग मी एम ए डी ए अगर हमने इसको बोला फाइव तक निकाल दो तो इट विल गिव मी पूरा का पूरा एम ए डी ए एम ठीक है अब हमने बोला जीरो से फाइव निकालो स्टेप टू कर दो तो उसने एम उठाया ए उड़ा दिया फिर डी उठाया फिर ए उड़ा दिया फिर एम क्योंकि वो सेकेंड अब मैंने चूंकि बोला स्टेप टू लेना है थर्ड थर्ड इज इज अटेप नंबर तो वो स्टेप नंबर है तो वो स्टेप कितना करना है ये बताता है तो हमने टू बोला तो उसने पहला उठाया फिर दूसरा नहीं उठाया तीसरा उठाया फिर चौथा नहीं उठाया फिर पांचों उठा लिया सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट अब इसमें एक बड़ा अच्छा है अगर इसमें आप टू के बदले माइनस वन दे देते हैं तो देखिए ये क्या करता है अब ना हम इसको हटा देंगे हमें चाहिए ही नहीं है तुम भाई माइनस वन में खाली दिखाओ तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो सेम ही दिख रहा है बट एक्चुअली क्या है ये उल्टा हो गया हम लेट अस सी सेकेंड स्ट्रिंग हमने एस टे टू में डाला फ्लैग डन अब सेम स्ट्रिंग जो चीज़ हम वन के साथ कर रहे थे हम टू के साथ करते हैं हमने बोला माइनस वन तो उसने क्या क्या रिवर्स कर दिया उसने पहले जी को दिखाया फिर ए को दिखाया फिर एल को दिखाया फिर एफ को दिखाया सो दिस इज़ हाउ ये भी आप तरीका कर सकते हैं माइनस वन वी से माइनस वन इसका मतलब ये होता है कि तुम पीछे से उठाओ और पीछे से उठा के आगे बढ़ो डिफॉल्ट शुरू तक आएगा तो अगर आप माइनस वन नहीं भी देते हैं तो भी वो सेम ही काम करेगा इट वर्क सेम वो पहले लास्ट का उठाएगा जो हमने अभी बना के हम समझ रहे थे लास्ट का उठाएगा फिर उसके पहले वाला उठाएगा फिर उसके पहला उठाएगा सो दिस इज अ ट्रिकी पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस आप वीडियोज़ को थोड़ा पीछे जाके फिर से आप समझने की कोशिश करें प्रोबेबली आपको वो समझ में आ जाएगा तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस नाउ लेट अस क्विकली रन दिस प्रोग्राम एट योर लेवल सो हमने सब यूज़र को बोला कि भैया एक एक यूज़र से एक स्ट्रिंग ले लिया फटाफट से इस बार हम कन्वर्ट करने का इंट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसे लगते हैं इंटर अ वर्ड टू तो चेक ठीक है अब हमें क्या करना रिवर्स करना है तो हमने एक वैल्यू लिया आर ई वी और वहाँ पे बोला कि एस टी आर वन में जो भी पड़ा हुआ है इसको उठा के डाल दो सो दिस इज इधर वन वे हम ऐसे डाल सकते हैं या इसको दूसरे तरीके से अगर हम डालना चाहें तो वी कैन दिस इज जस्ट फॉर कमेंट हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं वी कैन से कि माइनस वन से निकालो माइनस वन का मतलब ही होता है कि लास्ट से जाकर निकालो दिस विल ऑल्सो गिव मी द सेम रिजल्ट सो इधर यू यू कैन यूज इधर वन या तो ये या तो ये अभी के लिए हम इसको फिलहाल के लिए आई एम जस्ट नॉट कीपिंग इट हियर आई एम नॉट यूजिंग इट सो इसने रिवर्स निकाल लिया अब जब रिवर्स निकल गया तो हमारा काम क्या बचता है सिंपल सा काम है कि जो भी चीज़ उन्होंने एस टी आर वन में डाला है उसको कंपेयर करो रेव के साथ कि रेव में सेम है या नहीं है अगर सेम है तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें सिर्फ बोल देना है यू इंटर्ड पैलिंड्रोम ग्रेट इंटेड अ पैलेंड्रॉम और अगर उसने नहीं डाला है तो या तो डाला होगा या तो नहीं डाला होगा तीसरा तो कुछ ऑप्शन होता नहीं है तो हमने बोल दिया ओ ओ आ नॉट अ पैलेंड्रोम नॉट अ पैलेंड्रोम ठीक है सो वी आर नॉट मूविंग मच एंड वी आर फिनिशिंग अ प्रोग्राम हियर ठीक है सिंपल सा प्रोग्राम है पैलेंड्रॉम डॉट पी वाई सेव कर दिया नाउ रन करा देते हैं रन द मॉड्यूल इंटर द वर्ड टू चेक एम ए डी ए एम इट्स एंग ग्रेट यू इंटेड पेलेंड्रॉम फिर से रन कराते हैं रन मॉड्यूल ओके okay, अभी वो मेरे दूसरे मॉनिटर में खुल गया अभी इसको इधर से लेके आते हैं अब हमने बोला चलो भाई फ्लाई कुछ चेक करो बोला आ नॉट ए पैलिंड्रोम कैन यू गेट दैट फिर से रन कराते हैं और इस बार हम इसको दूसरा नंबर इस बार नंबर दे के देखते हैं अस सी एसेट वन टू वन ग्रेट यू व पैलेंड्रोम नंबर्स को भी चेक कर ले रहा है दैट्स फैंटास्टिक ओके नेक्स्ट स्मार्ट बनते हैं थोड़ा फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन करके देते हैं चलो चेक करो आह नॉट अ वेल एंड रॉम सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर सो आप इन दोनों में से अच्छा इसमें एक चीज़ है अगर हम ना ये हटा के ये हमने हटा दिया उन्होंने बोला ये मत यूज़ करो और ये यूज़ कर लो आउटपुट विल बी सेम हार्डली हार्डली इट विल मैटर आह, ओ हाँ, एक्चुअली मैंने गलत डाला है नॉट ए पैलेंड्रोम एक बार डाल के देखते हैं पैलेंड्रोम ग्रेट यू यूट पैलेंड्रोम सो हार्डली मैटर्स आप इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे वी विल सी मोर इन डिटेल वेन यू डिस्कस। ओके सो आतना ही काइंडली लाइक द वीडियो इफ आई एम एबल टू गिव यू समान समझा पा रहा हूं सब्सक्राइब भी कर दो यार हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बड़ा बड़े इस, इसी का धीरे धीरे करके हमें भी मोटिवेशन मिले हम भी उछलते कूदें एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो सो वी फील हैप्पी ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू द टू समन हुम यू फील विल बी हेल्पफुल और उसको भी बोलेना थोड़ा सब्सक्राइब कर दे अगर अच्छा लग रहा है तो एनी वेज और डू लेट मी नो इन कमेंट इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड आउट और शॉर्टेड आउट सी यू देन इन द नेक्स्ट चैप्टर टिल देन टेक केयर बी हैप्पी वंदे मातरम जय श्री राम